कोई बात नहीं, इस वीडियो में चैप्टर जो है 10 चैप्टर वो आपका खत्म हो जाएगा। 12 seconds later. गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, दुद दुद गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो हम पीछे मिलाएंगे, हम कहाँ मिलाएंगे, हम पीछे मिलाएंगे। तो हम पीछे मिला दिए और इधर इमेज बना दी। ये कौन से नशे हैं, ये कौन से नशे हैं। तो हेलो विनीशियंस यार, लास्ट के दो वीडियोस में आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हमने इससे पहले 10 चैप्टर का पार्ट 1 किया था, उसके बाद पार्ट 2 किया, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। इस वाले पार्ट में भी मैं उतना ही सपोर्ट चाहूंगा। एंड वैसे लास्ट के दो वीडियो से हम 1 आवर सीरीज हम कर रहे हैं, एंड लास्ट के दो वीडियो से वी आर ट्राइंग कि हर 10 चैप्टर खत्म हो जाए, बट भाई चैप्टर ही इतना लंबा है। चल झूठा, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में चैप्टर जो है 10 चैप्टर वो आपका खत्म हो जाएगा। Oh my God! तो हम क्या क्या कर चुके हैं, हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, हम रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, क्या हो चुका होता है, एंड अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन इन लेंसेज, रिफ्लेक्शन इन मिरर्स वगैरह हम सारी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन वगैरह जो है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मेन टॉपिक है वो हम सेकेंड वीडियो कर चुके हैं। ये दोनों जितनी भी ये जो वीडियोज है इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एंड आई बटन पे भी डाल दूंगा, सो दैट अगर आपको उनमें इंटरेस्टेड हो तो उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए, तो अभी हम कर रहे हैं 1 आवर सीरीज, एंड आज का जो हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन इन लेंसेज। आई नो दैट मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो दैट कि भाई मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ऐसी थोड़ी ना, मतलब राइटिंग के नाम पे हमने बुके नहीं पढ़ी। चलो, तो रिफ्रैक्शन इन लेंसेज करते हैं। तो देखो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंसेज होते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए दैट इज व्हाट आर लेंसेज। भाई लेंसेज ये किस बला का नाम है, लेंस क्या होते हैं? तो देखो, जो लेंस होते हैं, लेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कन्वेक्स लेंस। हाँ, एक जो होता है वो आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं देखने में? तो ये जो होते हैं, ये कॉन्वेक्स जो होता है वो कुछ ऐसा सा नजर आता है, एंड जो कॉनकेव होता है वो कुछ ऐसा सा नजर आता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है बच्चों की वो ये होती है कि कैसे याद करें, ये जो लेंसेज हैं इनको हम कैसे याद करें। तो चलिए देखते हैं कैसे याद करते हैं हम इन्हें। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो देखो, जैसे आपने अगर मिरर पढ़े हैं, तो आप ये बताइए मुझे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता था। जी हाँ, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता था? कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता था और पीछे की साइड इसकी शेडिंग होती थी, ऐसी होता था ना। अब देखिए, जिस तरफ शेडिंग है वैसा ही एक और बना दीजिए, इसी को सेम रिपीट कर दीजिए। तो ये ऐसा है, तो जिस तरफ शेडिंग है वैसे ही एक और ऐसा कर दीजिए। ये लीजिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बन गया। पहले क्या था, कॉन्केव मिरर था ना ये, इसको जिस तरफ शेडिंग है उस तरफ ऐसा ही एक और बना दीजिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बन गया। अब ऐसे ही कॉन्केव मिरर कैसा था भाई? ये था मेरा कॉन्केव मिरर, है ना, ऐसे ही था ना। तो मैंने क्या बोला, जिस तरफ शेडिंग है वैसा ही एक और ड्रॉ कर दीजिए। तो ये मैंने एक और ड्रॉ कर दिया, दोनों को बस ज्वाइन करना है, ये आपका कॉन्केव लेंस बन गया। बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है, क्लियर है ना। चलिए, तो ये रहा मेरा कॉन्केव लेंस, ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनके साथ काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो भाई कॉन्केव लेंस सबसे पहले तो बना कैसे, मतलब हम कैसे मानते हैं कि ये दोनों बने, मतलब ये कैसे आई, ये दो सर्कल टाइप के। तो होता क्या है कि इमेजिन कीजिए, दो सर्कल है, दो बड़े बड़े से सर्कल है। तो जब ये दोनों सर्कल आपस में कोइंसाइड होते हैं, कोइंसाइड का मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को मतलब कवर अप करते हैं, तो बीच में आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, यही है आपका
कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली अगर ये दोनों जो सर्कल हैं, ये दोनों जो सर्कल हैं अगर आपस में कोइंसाइड नहीं करते, मान लीजिए दोनों सर्कल आपस में कोइंसाइड नहीं करते भाई, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, थोड़ा दूरी ही बना के रखते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं तो अगर आप तब अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये बीच वाली चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बना है, ये आपका कॉनकेव लेंस बना है, क्या बना है, ये आपका कॉनकेव लेंस बना है और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बना है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इतना तो क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए हर सर्कल का एक रेडियस होता है, क्या होता है, हर सर्कल का एक रेडियस होता है, ठीक है, तो और इन दोनों सर्कल के सेंटर भी, तो मान लीजिए इस वाले सर्कल को सेंटर वन, इस वाले सर्कल को सेंटर टू। सिमिलरली अभी सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इस वाले सेंटर वन और इस वाले को सेंटर टू मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब यहां से अगर मैं एक लाइन पास करूं जो दोनों सेंटर के अंदर से जा रही हो, दोनों सेंटर के अंदर से जा रही है, ठीक है, तो एक लाइन बन गई। अब थोड़ा और बात करते हैं, इस सेंटर से एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस पे पॉइंट होता है, नॉर्मली मिरर्स में भी आपने पढ़ा होगा एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहां पर भी वो फोकस होगा, क्या बोलते हैं, फोकस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम F1 नाम देंगे। सिमिलरली यहां पर भी एक पॉइंट होगा जिसे हम F2 नाम देंगे, ठीक है, अभी मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये हो गए मेरे दोनों के दोनों फोकस, तो दैट इज वाई अगर आप यहां पर देखें तो किसी भी अगर आप लेंस में देखें तो दो फोकस होते हैं, दो सेंटर होते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ थोड़ा और, ठीक है, इसे थोड़ा और जूम करते हैं और जूम करके इसे समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे काम करता है, क्योंकि एक ही उसमें घिचपिच करके भाई समझाने में कोई मजा नहीं आता, तो मजे के साथ पढ़ेंगे। तो मान लीजिए ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस बन गया एंड कॉन्वेक्स लेंस के बाद ये लाइन बन गई और ये मेरा पहला सर्कल, ये जो है ये मेरा पहला सर्कल और ये मेरा दूसरा सर्कल। ये यार अबे सर्कल देख के क्या करोगे, लॉजिक समझो, सर्कल देख के क्या करोगे पूरा, हाँ ठीक है। तो ये था ये मेरे सर्कल का पहला सेंटर, सेंटर वन, और ये था मेरे सर्कल, ये दूसरे सर्कल का सेंटर, सेंटर टू। ये बीच वाला तो पता ही ना, हाँ ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। चलो अब सेंटर के एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस मैंने क्या बोला था, फोकस, तो ये मेरा फोकस वन है और दूसरे सेंटर के हाफ डिस्टेंस पे क्या होगा, फोकस, ये मेरा F2 है, डन है ना, हाफ डिस्टेंस पे, चलो ठीक है। और अगर मैं देखूं तो यहां पर एक पॉइंट होता है, ये अगर मैं इस सर्कल के ये जो कॉन्वेक्स लेंस है अगर मैं इसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पर एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं O, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, O, व्हाट इज O, O इज ऑप्टिकल सेंटर, क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, चलो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑप्टिकल, जितना भी मिरर लेंस ये सारी चीजें होती हैं, सारी आती हैं ऑप्टिक्स में, एक स्टडी होती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स, जितनी भी मिरर लेंस इन सबकी जितनी भी स्टडी होती है ये आती है ऑप्टिक्स में, ठीक है। अब ऑप्टिक्स से वर्ड आया है ऑप्टिकल, ठीक है, एंड सेंटर तो हम जानते हैं सेंटर, इन शॉर्ट किसी भी लेंस या मिरर का ये जो सेंटर मान लीजिए, क्योंकि ऑप्टिकल चीजें क्या होती हैं, जो लेंस होते हैं, जो मिरर लगते हैं, इन सबको हम ऑप्टिक्स में काउंट करते हैं, इनकी स्टडी को ऑप्टिक्स में काउंट करते हैं और इन मटेरियल्स को ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो किसी भी ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पर ये जो है लेंस है ये एक ऑप्टिकल चीज है, ऑप्टिकल का मतलब मिरर लेंस वगैरह में ही आ रही है, तो उसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, सिंपल। तो ज्यादा खींचा ताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है, चलो ऑप्टिकल सेंटर आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, चलिए अब ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा, आगे बात करते हैं। तो अब एक और चीज है, जैसे देखिए मान लीजिए कि जैसे ये जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से आधी डिस्टेंस पे हमारा फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर्स पे मान लीजिए इस जितना डिस्टेंस यहाँ का है उतना ही डिस्टेंस वहां का है, तो अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने अभी बोला ना ये इसकी हाफ डिस्टेंस पे है, तो यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर जितना यहाँ का डिस्टेंस है उसका डबल यहां तक का डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस जो है वो फोकस से डबल है, या फिर आप ये समझ सकते हैं जितना सेंटर तक का डिस्टेंस है उससे फोकस का डिस्टेंस आधा है,
ठीक है, बात बराबर ही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, दैट इज जितना डिस्टेंस यहाँ का है उससे डबल डिस्टेंस यहाँ का है। तो अगर इस वाले को मैं F1 बोल रहा हूँ तो क्या मैं इसे 2F1 बोल सकता हूँ, ये बताइए बस मुझे। 2F1 यानी दो गुना, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ 2F1, बोल सकता हूँ कि नहीं? और वैसे लिख दिया तो देखो मैं बोलूंगा, ठीक है, मेरी मर्जी। 2F1 सिमिलरली अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, अगर ये अगेन वही बात है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो अगेन क्या अगर मैं इसे F1, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर मैं F1 बोल रहा हूँ, F2 बोल रहा हूँ, तो इसे क्या मैं 2F2 नहीं बोल सकता? 2F2, 2F2, क्यों 2F2? अब वेरिएबल कम हो जाएंगे, C और F जब मुझे पता है इसके दोगुने डिस्टेंस के है, तो हटाओ C को, डायरेक्टली 2F लिखो। तो दैट्स वाई इसकी जगह हम फाइनली क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर C1 नहीं लिखते, C1 वगैरह हम यहाँ पर नहीं लिखते, ना ही हम यहाँ पर C2 लिखते हैं, हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 2F1, 2F2, बात खत्म, इतनी सी बात है। चलो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, मजा आया। चलिए अब कुछ चीजें और समझते हैं, ये तो हो गया पूरा क्लियर, डन। चलिए अब कुछ ही और देखते हैं। तो ये हमारा पूरा लेंस का पूरा ये हमने समझ लिया, अब हम फटाफट एक बार दूसरे बारे, ये तो हमने कॉन्वेक्स का ही समझा, अभी ये हमने किसका समझा है, अभी तक अभी हमने समझा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का समझा है अभी। सेम चीज मैं बता दूं, कुछ अलग नहीं होता, सेम चीज होती है आपका कॉनकेव में भी। कॉनकेव भी अगर आप इमेजिन करेंगे तो जैसे मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स, सॉरी ये आपका कॉनकेव लेंस है, तो इसका एक ये सर्कल, ये इसका एक सर्कल और ये इसका एक सर्कल, ये वाला आप मुझे बताइएगा, ठीक है, ये इसका एक दो सर्कल हो गए, ठीक है, चश्मा बन गया ये। तो ये इसका सेंटर नंबर वन और ये इसका सेंटर नंबर टू, ठीक है, दो सेंटर हो गए, दोनों सेंटर से एक लाइन पास होगी, इन सेंटर, सेंटर टू के आधे डिस्टेंस पे फोकस वन है एंड सेंटर, सॉरी सेंटर वन के एंड सेंटर टू के आधे डिस्टेंस पे फोकस टू है। लेंस के बीच से एक लाइन पास कर रही है जिसे हम, जो लाइन जहां कटती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, अगेन वही बात है, मैं इस सी वन को क्यों ना, मैं इस सी वन को क्या लिख दू, मैं सी वन को सी वन ना लिख के मैं इसे टू एफ वन लिख सकता हूँ क्योंकि ये डबल डिस्टेंस पे है। वैसे ही मैं C2 को C2 ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे 2F2 लिख सकता हूँ क्योंकि डबल डिस्टेंस है, बात खत्म, क्लियर है ना, बात खत्म। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब कुछ चीजें, ये हो गया हमारा टॉपिक, मतलब थोड़ा तक कंप्लीट, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपको इतना पूरा समझ में आ गया कि ये दो सर्कल कैसे बने, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्केव मिरर होता है, अब आपको थोड़ा फमिलियर लगेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ चीजें और स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक टॉपिक है, अब हम डायरेक्टली डाइव करेंगे इमेज फॉर्मेशन पे, किस पे डाइव करेंगे, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, तो देखो ये पूरा चैप्टर इसी इन टाइप के न्यूमेरिकल के बारे में है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस इतना दिया हुआ है, इमेज बनी हुई है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, फोकस दिया हुआ है, इमेज गिवन है, इमेज के डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ कितनी होगी, अरे कहना क्या चाहते हो, ऐसे क्वेश्चन। अगर आप में से ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन, ये पूरा जो होता है इसे हम इमेज फॉर्मेशन में काउंट करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे बेसिक्स, क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स, दैट इज बेसिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। भाई इमेज फॉर्मेशन के बेसिक्स क्या होते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन के बेसिक्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन के बेसिक्स। देखिए अगेन डायग्राम वही बनेगा, जैसे ये मेरा, अब तो आप काफी फेमिलियर हो चुके हैं, तो ये हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारी, अच्छा ये जो लाइन मैं बार बार बनाता हूँ ये क्या होती है, ये लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए और ये सर्कल के बीच से एक लाइन पास होती है जो काटती है उसे हम बोलते हैं ओ, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर। चलिए यहाँ का ही हमारा सेंटर होगा, दैट इज सॉरी सॉरी सॉरी, अब तो C1 C2 तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसे मिटा देते हैं, चलो तो यहां पर होगा हमारा 2F1 F1 F2 एंड 2F2। चलिए ये चार चीजें हो गई, थोड़ी और बात करते हैं।
अब मान लीजिए ये तो सारी चीजें हो गई, ठीक है, कुछ और डिस्टेंस देख लेते। मान लीजिए आपने कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बॉटल रखी, बॉटल, या फिर मान लीजिए आपने कोई ग्लास रखा, लंबा सा आपने कोई ग्लास रखा, तो जो ग्लास है, ये जो ग्लास है इसकी इमेज कहीं बनेगी। अब देखिए ये लेंस है, तो किसी भी लेंस की खूबी क्या होती है कि उससे जो लाइट रेज आएंगी, ठीक है, इस ग्लास से लाइट रेज पास होंगी, और ग्लास से जब लाइट रेज पास होंगी तो ग्लास पास होने के बाद वो जो लाइट रेज है वो हल्का सा टिल्ट हो जाएंगी, मतलब क्योंकि लेंस है, लेंस उन्हें हल्का सा टिल्ट कर देगा। तो टिल्ट होने के बाद वो जहां पर भी मतलब इमेज बनाएगा, जैसे जहां पर भी ये लाइनें कटेंगी यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर इन शॉर्ट ये समझ लीजिए यहाँ पर उल्टा ग्लास बनेगा या फिर यहाँ पर ग्लास बन जाएगा। तो ये जो चीज है जो मैंने रखी है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। और ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं इमेज, जो बनती है फाइनल में इसे हम क्या बोलते हैं? इमेज। चलिए ठीक है, इमेज के बाद अब कुछ चीजें और समझिए। कोई भी इमेज बनने के लिए आपको दो लाइट रेज कटनी चाहिए एक जगह पर, कोई भी दो इमेज बनने के लिए दो लाइट रेज, ठीक है, दो रेज इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, दो रेज जो है जहां पर कटती हैं उसे वो वहां पर इमेज बनती है, जैसे यहां पर कटी है तो यहां पर इमेज बनी है। एक और चीज, इमेज की हाइट कैसे होती है, इमेज कितनी बड़ी बनी, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी कैसे पता चलेगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज जितनी दूर कटेंगे उतनी उसकी हाइट होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पर कटती, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लाइट रेज यहां पर कटती है, तो अगर लाइट रेज, दो लाइट रेज अगर यहां पर कटती तो जितना डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से है उतनी बड़ी इमेज बनती, यानी ग्लास इतना बड़ा बनता, समझ में आ रहा है? बट क्योंकि जो इमेज, जो लाइट रेज है वो यहां पर कटी है, यानी हाइट ग्लास की इतनी होगी, इमेज की, ऑब्जेक्ट की हाइट तो जितनी थी उतनी होगी, लेकिन जहां पर प्रिंसिपल कटने के बाद जितनी दूरी प्रिंसिपल एक्सिस से होगी उतनी ही हाइट होगी इमेज की। ये चीज ध्यान रखिएगा दोनों में, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में, ये तो जनरल रूल्स है। मैं कॉन्वेक्स से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कॉन्वेक्स से समझना इजी होता है, आप इजीली समझ पाते हैं। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे बात करते हैं। तो डन डन डन, अच्छा ये एरोज ड्रॉ होते हैं जिससे पता चलता है रे कहाँ जा रही है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया, अब दो चीजें और होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं एक्चुअल में? पहला चीज, पहला होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑप्टिकल सेंटर, हर डिस्टेंस यहां से नापा जाएगा, ध्यान रखिएगा, हर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस यहीं से नापा जाएगा, ओ कॉल्ड एन ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, इसके बाद इमेज यहां पर बनी है, तो इमेज यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक का पूरा डिस्टेंस कहलाता है इमेज डिस्टेंस। क्या कहलाता है? इमेज डिस्टेंस। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है यू से, किससे डिनोट किया जाता है? यू से। एंड इमेज डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है वी से, किससे डिनोट किया जाता है? वी से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। After that, ये पूरा होने के बाद, हाँ ये तो आप जानती होंगे, यहां से फोकल लेंथ एक होती है, फोकल लेंथ, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस की पूरी जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय एफ। तो ये होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। चलिए, फोकल लेंथ डन। कुछ चीजें और होती है जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर, देखो ऑप्टिकल सेंटर से तो नाप नहीं पाएंगे, तो यहां से समझ लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट, दैट इज ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है उसकी हाइट से डिनोट करता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हाइट। और इमेज जितनी बड़ी है उसे इमेज हाइट, जिसे हम एच डैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ध्यान दीजिएगा, एच डैश, इमेज हाइट, इमेज हाइट। I know that my writing was achieved. और ये हो जाए है ऑब्जेक्ट हाइट।
तो ये लगभग सारी की सारी चीजें हैं, दैट इज इमेज फॉर्मेशन के जो बेसिक्स हैं उसमें ये सारी चीजें हैं। काफी ज्यादा घिचपिच हो गया है बट कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले तो हमारा इमेज डिस्टेंस है डिनोटेड बाई यू, फिर हमारा सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फिर हमारा इमेज डिस्टेंस है डिनोटेड बाय वी, फोकल लेंथ है डिनोटेड बाय एफ, इसके अलावा आपका इमेज हाइट है डिनोटेड बाय एच डैश, और ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट है डिनोटेड बाय एच। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आगे काम आएगी। तो इमेज फॉर्मेशन के बेसिक्स से एक और चीज, जहां पर भी दो रे मतलब लेंस से जाने के बाद जहां पर भी दो दोनों के दोनों रेज जो है जहां पर कटेंगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वहां पर इमेज बनेगी। इमेज की हाइट उस चीज पर डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये जो लाइन है इससे कितने डिस्टेंस पे जाके कटेंगी। ज्यादा डिस्टेंस पे जाके कटेंगी तो फिर मतलब ज्यादा हाइट होगी, कम डिस्टेंस पर कटेंगी तो कम हाइट होगी, और अगर इन्हीं पे इस लाइन पे ही कट जाएंगी यानी हाइट जो है पॉइंट साइज बहुत कम होगी। तो चलिए ये था इमेज फॉर्मेशन के बेसिक्स, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इमेज फॉर्मेशन रूल्स। तो अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ेंगे। एंड इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं, मतलब जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे एक्चुअल में, ठीक है, वैसे एक्चुअल में मतलब कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, ठीक है, पता चले लेंस ढूंढना स्टार्ट करो। इमेज फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक्चुअल में पेपर के ऊपर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, समझाता हूँ समझ में आ जाएगा। तो आपका जो टॉपिक है वो है हमारा इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। तो चलिए ज्यादा रूल्स नहीं है, डोंट वरी, थोड़े रूल्स हैं। चलिए पहला रूल, पहला रूल क्या बोलता है, देखिए मैं ज्यादातर जो रूल्स है मैं कॉन्वेक्स से ही दिखाऊंगा, एंड देन एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव करके दिखाएंगे। तो पहला रूल क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा पहला फोकस है फोकस नंबर वन, ये हमारा दूसरा फोकस है फोकस नंबर सॉरी ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस टू एंड ये हमारा सेंटर टू। तो अगर अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा लेंस से टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा लेंस से टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, ये पहला रूल है। चलिए ठीक है, अगला रूल, वैसे मैं इसी को अगर मैं कॉन्केव में दिखाऊं तो देखिए मैं बता दूं थोड़ा सा ना ऊपर से चला जाएगा, बट कोई बात नहीं बता देते हैं यार। जैसे कॉन्केव है, जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्केव है, तो अरे बाप रे बड़ा कदर कॉन्केव बना है, तो ये मान लीजिए हमारा कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस से ये अगेन ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस वन, ये हमारा फोकस टू सॉरी सेंटर सेंटर वन वन आएगा यहाँ पर, ये मैंने गलत कर दिया था सॉरी, यहाँ पर वन आएगा, ये हमारा फोकस टू और ये हमारा सेंटर टू। तो अगर हमने अभी क्या बोला, अगर लाइट रे जो है वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है जैसे, तो फोकस से, बट यहाँ से देखो मैं बता दूं यहाँ से फोकस से नहीं जा पाएगी, ये बाहर की ओर फैला देता है, कहां से चली जाएगी, बाहर की ओर चली जाएगी। अब आप बोलेंगे सर फोकस से तो पास ही नहीं हुई, हुई है, रियल नहीं हुई है वर्चुअली हुई है। अगर मैं इसी लाइन को पीछे की ओर लाऊं तो देखो ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है, नहीं समझ में आएगा धीरे धीरे करके समझ में आएगा, यही रियलिटी है भाई लेंस में। जबरदस्ती की लाइन ड्रॉइंग होती है यहाँ पर कि भाई अगर या तो रियल में फोकस से पास होगी या फिर वर्चुअली, बट हाँ फोकस से पास जरूर होगी, ये हमारा पहला रूल है, पैरेलल तो फोकस से पास। दूसरा रूल देखते हैं, ठीक है, सेकेंड रूल अगेन कॉन्वेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स है, एक बार तो काफी छोटा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस वन, ये हमारा फोकस टू, ये हमारा सेंटर वन टू एफ वन, ये हमारा टू एफ टू। अगर कोई लाइट रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ती है तो सीधे निकल जाएगी, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ती है तो वो सीधी निकल जाएगी,
कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी उसमें बात खत्म। वही अगर मैं कॉनकेव के ऊपर बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए हमारा कॉनकेव है, ये हमारी लाइन है, बाकी सब ड्रॉ करना छोड़ देते हैं, अगर कोई लाइट रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे आके टकराएगी तो वो सीधी निकल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसे। दूसरा रूल, तीसरा रूल अगेन कॉन्वेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स ऑप्टिकल सेंटर, फोकस वन, फोकस टू, सेंटर वन, सेंटर टू, ठीक है। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करती है, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास करती है और तब लेंस से टकराती है तो क्या होगा, तो पैरेलल चली जाएगी। अगर फोकस से पास होती है तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए, चलिए चलिए, तो ये तीन केसेस हो गए हमारे सामने, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब याद कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, देखो दो लाइनों में याद होगा, पैरेलल तो फोकस से पास, फोकस से पास तो पैरेलल। अगर कोई लाइट रे पैरेलल, अगर कोई भी लाइट रे, ये वाली लाइट रे देखिए, ठीक है, इस वाले में अगर कोई लाइट रे पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास हो गई, और जब फोकस से पास हुई तो पैरेलल हो गई। ओह माय गॉड, ठीक है, ये तो दोनों एक ही केस हुए। तीसरा, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर, मतलब सीधी आएगी तो सीधी चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बात खत्म। दो रूल है गिनती के, अगर आप ध्यान से देखें, तीन रूल नहीं है, दो रूल है, दो तो एक जैसे ही है। ऑप्टिकल से अगर पैरेलल आई तो फोकस से पास, फोकस से पास आई तो पैरेलल, दैट्स इट। तो ये आपके कुल मिला के रूल्स ऑफ क्या है, इमेज फॉर्मेशन। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया? नहीं, क्लियर है ना। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब फाइनली अब हम उतरेंगे मैदान में और मारेंगे छक्के, दैट इज इमेज फॉर्मेशन के अब हम देखेंगे केसेस। यस, केसेस, यू हर्ड मी राइट, केसेस। अब हम देखेंगे केसेस, केसेस क्या होते हैं, एक एक करके केस देखेंगे हम, देखते हैं। सबसे पहले हम केस, अब किसके हम सबसे पहले केसेस देखेंगे, अभी हम केसेस देखेंगे कॉन्वेक्स के, कॉन्वेक्स लेंस के, और उसके बाद फिर हम केसेस देखेंगे कॉनकेव लेंस के, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहला केस देखते हैं, सबसे पहला केस, चलिए। वैसे इसमें बहुत ड्रॉ करना पड़ता है यार, F2, 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 ठीक है। चलिए, अब इमेजिन करते हैं, देखिए केसेस मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है केसेस का मतलब। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं, बट कहाँ रखेंगे तो कहाँ लगभग बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा दूर है, जैसे चंदा सितारे, ने? सूरज तुम्हारे, चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी, चलो, तो ये इतनी दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इन दैट केस इमेज कहाँ बनेगी। तो देखो, अपने रूल पे रहना, अपने आप इमेज बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इतनी दूर से जब भी कोई लाइट रे आएगी, मैं तुम्हें बता दूं, इतनी ज्यादा इंफिनिटी से जब भी कोई लाइट रे आती है, हमेशा पैरेलल आती है फोकस है, फोकल प्रिंसिपल एक्सिस के। जब भी इतनी दूर से पैरेलल अगर कोई भी लाइट आती है, तो हमेशा क्या आती है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल आएगी, तो पैरेलल अगर पैरेलल तो किससे पास, अभी जस्ट मैंने बताया था, पैरेलल तो किससे पास, फोकस से पास। ये आपका पहला रूल हो गया। चलिए, कितने रूल, मतलब कितनी लाइन चाहिए कि कोई भी ड्रॉ करने के लिए, हाँ, कितनी लाइनें चाहिए आपको कोई भी इमेज ड्रॉ करने के, दो लाइनें चाहिए। मैं आपको बता दूं, दो लाइनें चाहिए, दो लाइनें जहां कट जाएंगी वहीं से इमेज फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो एक और लाइन चाहिए मुझे, तो दूसरी लाइन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक और, मैं यहां से अगेन ये लाइन जो है ये भी एकदम पैरेलल आएगी, तो पैरेलल आएगी तो कहां से पास, फोकस से पास। आप चाहे जितने मर्जी और लाइनें पास करते जाइए, ये सारी की सारी कहां से पास होंगी, फोकस से पास होती जाएंगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो चाहे मैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख, मतलब चाहे मतलब कहीं से भी लाइट रे आए, अगर कोई चीज इंफिनिटी पे है, तो आने के बाद लेंस से टकराने के बाद कहां पर कटेंगी सारी लाइनें, फोकस पे कटेंगी। इतना क्लियर है? चलिए ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर है तो इतनी बात काफी है। अब देखते हैं, अब देखिए हमें देखना क्या है इमेज फॉर्मेशन में, ये जो इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं, इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है, फिर मैं बुक के रेफरेंस से भी समझाऊंगा। तो हमें चार चीजें देखनी है, कौन कौन सी चीजें देखनी है हमें, चार चीजें, कौन कौन सी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, इमेज का साइज क्या है,
और इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, इन चीजों के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, तो ऑब्जेक्ट रखा था हमारा इन्फिनिटी पे, कहाँ रखा था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है, ऐसा हल्का सा एट को बनाते बनाते छोड़ दीजिए, एट को लिटाकर हल्का सा बनाते बनाते छोड़ दीजिए, इन्फिनिटी का साइन होता है। तो ऑब्जेक्ट था अपना इन्फिनिटी पे, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बाबू फोकस पे, यानी एफ टू पे, इमेज बन रही है एफ टू पे, ठीक है। इमेज का साइज क्या है, मतलब कितनी बड़ी है इमेज, तो पहली चीज तो मैं बता दूं, देखो एकदम डिस्टेंस नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जब डिस्टेंस ही नहीं है तो इमेज तो बहुत छोटी सी बन रही है, बहुत छोटी सी। तो इमेज बन रही है एकदम हाईली डिमिनाइज्ड, और यू कैन से पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, एकदम छोटी पॉइंट के आकार की। और अब लास्ट इमेज का नेचर, अब नेचर समझिएगा ध्यान से, नेचर क्या होता है इमेज का, इमेज के जो नेचर होते हैं किसी भी इमेज का, वैसे मैं इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, बट इमेज के जो नेचर होते हैं, अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो दो टाइप के नेचर होते हैं, एक होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। फ्रेंकली स्पीकिंग रियल और वर्चुअल ही होता है, ये इन्वर्टेड और इरेक्ट तो बाद में लगा हुआ है। अब क्या मतलब होता है इसका, ये थोड़ा समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले रियल इमेजेस क्या होती हैं, रियल इमेजेस, रियल इमेजेस रियल होती हैं, वर्चुअल इमेजेस वर्चुअल होती हैं। मतलब रियल इमेजेस वो होती हैं जो एक्चुअल में आप किसी स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर उतार पाते हैं, और वर्चुअल इमेजेस आप किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं उतार पाते। अर्थात अर्थात धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिए, ये जो इमेज बनेगी इस केस में, ये जो इमेज बनेगी ये इस तरफ बनी है, ठीक है, लेंस के इस तरफ बनी है। इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया और मैंने यहाँ पर ऐसे पेपर को रख दिया। तो अगर मैंने यहाँ पर पेपर को रख दिया तो यहाँ पर जो भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, मान लीजिए आपने ग्लास रखा हुआ है, तो यहाँ पर वो ग्लास आपको बहुत छोटा सा दिखाई पड़ेगा उस पेपर के ऊपर। तो ये जो पेपर है ये मेरी स्क्रीन, क्या है, ये पेपर मेरी स्क्रीन है, क्योंकि इसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो ये पेपर मेरी स्क्रीन है। तो जो इमेज आप किसी स्क्रीन के ऊपर उतार पा रहे हैं इसे आप बोलते हैं रियल इमेज, क्या बोलते हैं, रियल इमेज, क्योंकि ये जो इमेज है ये एक्चुअल में आप किसी स्क्रीन के ऊपर उतार पा रहे हैं, तो इसे आप क्या बोलते हैं, रियल इमेज। चलिए अब पूछेंगे सर वर्चुअल क्या होती है ना, स्क्रीन तो ज्यादा समझ में नहीं आया, ये बता दो बस वर्चुअल क्या होती है। वर्चुअल इमेज आप किसी स्क्रीन पर बना ही नहीं पाएंगे, किसी भी स्क्रीन पर नहीं बना पाएंगे, कैसे वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए। चलिए अब और थोड़ा चीजें समझिए, ठीक है, इतना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड सीरीज कर रहे हैं, इतना डीप में नहीं पढ़ सकते। याद कैसे करेंगे, मेन टॉपिक याद कैसे करेंगे, तो याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका समझ लो, ठीक है। जहां इमेज बननी चाहिए वहां बनी तो रियल, नहीं तो वर्चुअल। कैसे, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लेंसेज के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेंसेज। चलो मान लीजिए कोई भी लेंस है, जैसे ये लेंस है या फिर कोई भी लेंस है, कोई भी लाइट रे आएगी लेंस के उस पार पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी बताओ, पहुंचेगी है ना, तो लेंस के उस पार लाइटें पहुंचेंगी। तो अगर लाइटें उस पार पहुंचेंगी तो कटेंगी भी उस पार, तो अगर उस पार लाइटें अगर उस पार कटेंगी तो इमेज भी किस पार बनेगी, उसी पार बनेगी, तो यानी इमेज भी इस पार ही बनेगी, ठीक है। तो कायदे से यानी जितने भी लेंसेज है, लेंसेज के केस में इस पार, यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं दैट इज राइट साइड में ही इमेज बननी चाहिए। तो अगर जहां पर इमेज बननी चाहिए वहां बनी, यानी ये लेंसेज के केस में राइट साइड में अगर इमेज बन रही है तो वो रियल होगी, हमेशा क्या होगी, रियल होगी। बट अगर लेंसेज के ही केस में लेफ्ट साइड में बन रही है तो वर्चुअल होगी। लेफ्ट साइड कैसे बन सकती है यार, एक चीज बताओ, सारी लाइट रे उस तरफ जा रही है, कटेंगी भी उस तरफ है ना, लेंस है उस तरफ लाइट रे जानी चाहिए, टकराने के बाद इधर तो आनी जाएंगी, बट उस तरफ लाइट रे जा रही है, कटेंगी भी उस तरफ, इमेज भी उस तरफ बनेगी तो रियल। बट अगर किसी केस में अगर इस तरफ बनी जो कि बननी नहीं चाहिए लेंस के केस में, तो वर्चुअल। तो जहां बननी चाहिए वहां बनी तो रियल, अदरवाइज वर्चुअल। ये इसमें नहीं हर जगह काम आए, चार अलग अलग चीजें याद करने से बहुत बेटर है ये वाला मेथड याद कर लो, मैंने बहुत जगह देख लिया ये मेथड कहीं नहीं है। सिंपल, जहां इमेज बननी चाहिए वहां बनी तो रियल, अदरवाइज वर्चुअल। आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए तो इस केस में तो जहां बननी चाहिए वहीं पर ही बनी है ना, लेंस से उस पार लाइट रेज गई है तो उसी पार कटी है तो उसी पार इमेज बनी है, तो यानी अल्टीमेटली कौन किस टाइप की इमेज है, ये है रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स इट। चलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा हो गया पहला केस, केस वन। आगे बात करते हैं, चलिए थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, बट कोई बात नहीं, बोर तो नहीं हो रहे ना,
हाँ बोर हो भी रहे होगे, सबसे पहले बच्चा बोर ही होता है। चलो चलो, वैसे भी रिया और दीपिका से तो ज्यादा ही बेटर है, अदरवाइज भाई साहब जो बवाल काटा हुआ है न्यूज चैनल्स ने। अच्छा चलो, अगला केस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ज्यादा नहीं ड्रॉ करूंगा, बहुत मेहनत लगती है यार, ठीक है। तो ये मेरा फोकस, दैट इज F1, और ये मेरा F2, 2F2, सॉरी 2F1, ये मेरा F2। कई बार तो मन करता है ड्रॉ ही ना किया जाए, बट कोई बात नहीं, ये मेरा 2F2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अब जो ऑब्जेक्ट रखा, वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरफ रख दिया, यानी 2F1 के जस्ट ऊपर। तो इफ आई डू दैट, चलो तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो मैंने 2F1 के पीछे रखा है, यानी सेंटर के पीछे रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर रखूंगा तो कहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। आई नो बहुत ही घटिया वो बन रही है ड्रॉइंग, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाँ, वैसे इससे इतनी बुरी नहीं है मेरी राइटिंग ना, इससे ज्यादा बुरी है। तो सबसे पहले पहली लाइट रे आएगी, अगर पैरेलल आई तो पैरेलल आके कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो फोकस से पास कर देते हैं। अब मुझे एक और रूल चाहिए, साफ साफ बोलूँ तो मुझे एक और रूल चाहिए इसे बनाने के लिए। तो अपने पास तीन रूल थे, ठीक है। पहला रूल क्या था, पैरेलल आएगी तो फोकस से पास, मैं यूज कर चुका। दो और रूल बचे हैं, कैसे। एक रूल तो ये मैं यूज कर सकता हूँ, मैं आपको बता दूं, दैट इज अब मैं फोकस से पास करूंगा तो कराने के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। फोकस से पास करूंगा तो कहाँ हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, तो ये यहाँ कट जाएगी। एक तो रूल मैं ये यूज कर सकता हूँ, ठीक है, इससे मेरी इमेज बनी, ये मेरी इमेज बन जाएगी, ये जो है इतनी ही बड़ी मेरी इमेज बन जाएगी। एक तो ये रूल मैं यूज कर सकता हूँ। एक और चीज बता दूं, आप चाहो तो एक और रूल भी यूज कर सकते हैं। कौन सा रूल आप यूज कर सकते हैं, दूसरा वाला था ऑप्टिकल सेंटर वाला, याद है। तो आप ऑप्टिकल सेंटर वाला भी यूज कर सकते हैं। तो उस केस में ये जाएगी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर, और जैसे जाती है वैसे ही आगे निकल जाती है, तो ऐसे ही आगे निकल जाएगी और यहाँ पर ही कटेगी, ठीक है। वो मैंने जबरदस्ती काटी ऑब्वियसली। तो ये भी आप रूल, तो तीनों में से कोई भी दो रूल यूज करके आपको बस लाइन काटनी है और वहां से बन जाएगी। चलिए बात करते हैं, हमें अगेन चार चीजों की जरूरत है, वी ऑल नो दैट, कौन कौन से। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ बना हुआ है, हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। उसके बाद इमेज कहाँ बनी है, फिर इमेज का साइज एंड इमेज का नेचर, ये चार चीजें देखनी है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। चलिए तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, ये अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, ये रखा था 2F1 के पीछे, तो इसमें हम वही लिखेंगे, दैट इज ये है हमारा 2F1 के पीछे, ठीक है। इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में, तो इट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। आप बुक में देख सकते हैं, टेबल पूरी गिवन है। साइज ऑफ इमेज कितनी बड़ा है, तो देखो ऑब्जेक्ट से तो छोटी बनी है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, तो छोटे को नॉर्मली बोलते हैं डिमिनाइज्ड, क्या बोलते हैं, डिमिनाइज्ड। एंड लास्ट नेचर, कैसा नेचर, कैसा है, तो नेचर है इसका कहाँ बनी है, अच्छा जिधर बनी चाहिए उधर बनी है या दूसरी तरफ बनी है। लाइट रे ये लेंस है, तो लाइट रे टकरा के उधर ही जाएंगी, उधर ही बन जाएंगी, तो उधर ही इमेज बनी है, तो जिधर बनी है उधर ही बननी चाहिए, मतलब जिधर बननी चाहिए उधर ही बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स इट। ये होगी अपनी सेकेंड केस। चलिए थर्ड केस पे आते हैं, थर्ड केस। अब थर्ड केस स्टार्ट करते हैं, ये अपना F1, ये अपना 2F1, 2F2, सॉरी, F2 एंड 2F2। अब यहां पर देखते हैं थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या है, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है अपना 2F1 पे ही है, 2F1। तो पहले पहला रूल पैरेलल फोकस से पास, चलिए ठीक है। दूसरा रूल कोई भी दो रूल ले सकते हैं, मैं सेकंड वाला ले रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर वाला, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर जैसे आया वैसे ही आगे 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 कटा, तो ये अपना बनेगा 2F2 के ऊपर, कहाँ बनेगा 2F2 के ऊपर। ये हल्का सा थोड़ा वैसा बन चुका है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब हमें चार केसेस देखने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला केस ऑब्जेक्ट कहाँ पर था,
ऑब्जेक्ट था अपना 2F1 पे, इमेज कहाँ बनी है 2F2 पे, इमेज बनी है 2F2 पे, इमेज का साइज सेम है, वैसे मैंने थोड़ा गलत कर दिया बट आप ढंग से बनाएंगे तो सही बनेगा, इमेज का साइज जो होता है वो सेम ही बनता है, एंड इमेज का नेचर जहां बननी चाहिए वही बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ज्यादा इस चीज में बार बार वो नहीं करेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए आगे बात करते हैं, तो फोर्थ केस गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, दुद दुद गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, घर से कचरा। F1 F2 F2। चल अब मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पास होने के बाद ये यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया अपना, अरे ये तो चेंज ही नहीं हुआ कलर, चलो कोई बात नहीं हो जाएगा आई गेस, चलो कोई बात नहीं। तो पहली लेयर आएगी टकराएगी एंड देन फोकस से पास, पहली रे आएगी टकराएगी फोकस से पास एंड दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास, तो ये कटेगी इधर भी, ये लो डन। अब एक एक करके चारों चीजें लिखेंगे, तो सबसे पहला चीज ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जेक्ट था भाई 2F1 और F1 के बीच में, इमेज कहां बनी है, इमेज बनी है 2F2 के भी आगे, 2F2 के आगे, इमेज का साइज इससे तो बड़ा ही है तो एनलार्ज लिखते हैं एनलार्ज, और इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, उस तरफ बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए पांचवा केस, कैमरा स्टॉप हो रहा है, दिक्कत पानी, चलो ये मेरा F1, ये मेरा नहीं वैसे सॉरी लेंसेज का, और ये मेरा 2F1 एंड 2F2, मुझे नहीं पता मैं कैसे पूरा मैनेज कर पा रहा हूँ बट रेगुलर क्लासेस बहुत दिक्कत होती है। अच्छा अब मैंने फोकस पे रख दिया, तो ये ऑप्टिकल सेंटर, हाँ तो पहली लाइट आएगी टकराएगी एंड देन फोकस से पास, दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से पास, ठीक है। अब आप देखें तो ना पैरेलल है ये दोनों, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ पैरेलल, मैं जब बोल रहा हूँ तो पैरेलल है, पैरेलल है तो पैरेलल है, चल झूठा। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो आगे तो मिलने से रही, ठीक है, पीछे भी मिलने से रही, ना आगे मिलेगी ना पीछे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मिलेगी। देखो तो अब क्या होता है, पैरेलल लाइंस जो होती है, अब देखो हमें इमेज तो बनानी है, जबरदस्ती की इमेज बनानी है अपन को, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐसे करके ये दोनों मिलेंगी इन्फिनिटी पे, कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी, फिर से करो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जाके जब इमेज बनेगी मेरी, ये मेरी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इतनी बड़ी, तो इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी मेरी, ठीक है, जबरदस्ती की इमेज बनेगी मेरी इन्फिनिटी पे। तो चलो लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था अपना F1 पे, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी बनी है इन्फिनिटी पे जबरदस्ती की, इमेज का साइज भाई बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा, तो हाईली एनलार्ज, क्या होता है हाईली एनलार्ज, एंड इमेज का नेचर जैसी भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, जैसी भी उत्तर भी बनी है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो अब बनना है अपना छठवा केस, छठवा, चलो अब लास्ट केस, वैसे बता दूं ये इसका लास्ट केस है, इसके बाद अभी कॉनकेव भी करेंगे, डोंट गेट डिप्रेस, ये F1, ये 2F1, ये F2, कुछ तो सोच रहे होंगे सर हम पे छोड़ दो, हम ही कर लेंगे, आप छोड़ दो, इतना ज्यादा बोर कर दिए हो। अच्छा चलो तो पहली लाइन ये कटेगी कहां से जाएगी, फोकस पे, दो रूल चाहिए, ठीक है, दूसरा वाला मैं हमेशा ऑप्टिकल सेंटर वाला लेता हूँ, ठीक है, तो ऑप्टिकल, अरे गलत हो गया, चलो तो पहला जाके फोकस से पास एंड दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास, तो आप अगर देखें तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो आगे तो नहीं मिलने से रही बट पीछे जरूर मिलेगी, तो हम पीछे मिलाएंगे,
हम कहाँ मिलाएंगे, हम पीछे मिलाएंगे। तो हम पीछे मिला दिए और इधर इमेज बना दिए। ये कौन से नशे हैं, ये कौन से नशे हैं। चलो है ना, देखा कमाल हमने। तो ये हम, ये जो इमेज बनी है वो पीछे बनी है, लेंस के, लेंस क्या ही पीछे, मतलब सामने की तरफ, जहां से जहां ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन गई है। बननी चाहिए थी, बन सकती है, देखते हैं। इमेज जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा F1 और O के यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है हमारी 2F1 के भी पीछे। इमेज का साइज एनलार्ज, बड़ा ही है, हाईली एनलार्ज तो नहीं है, एनलार्ज ही है। एंड इमेज का नेचर आप बताइए, जहां बननी चाहिए थी वहां बनी है। भाई लाइन, लाइट रेज इधर से जा रही है, ठीक है, जब लाइट रेज इधर जा रही है तो उधर इधर कटनी चाहिए थी, इधर इमेज बननी चाहिए थी, बट ये का कर दिए हो कि उधर इमेज बना दिए हो, का बवासीर है। बट जहां बननी चाहिए थी वहां तो बनी नहीं, कहीं और ही बनी है। तो ये कहीं और बनने को ही हम क्या बोलती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नकली बनी है और सीधी बनी है। अब समझ में आया वर्चुअल इरेक्ट कहाँ से आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा छठवां केस हो गया। तो ये हमारे छह के छह केसेस हैं, क्लियर है। अच्छा एक एक करके फटाफट रिवाइज करेंगे। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, और छोटी बन पॉइंट साइज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को मैं पास ले आया, इन्फिनिटी से थोड़ा पास ले आया 2F1 के पीछे, तो इमेज कहाँ बनी, F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। इमेज का साइज डिमिनाइज छोटा ही रहा, ठीक है, पहले पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा हो गया बट छोटा ही रहा, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरे केस में अगर 2F1 अगर मैंने सेंटर पे रख दी तो देखो सेंटर पे ही बन रही है, सेम साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड। चौथे केस में थोड़ा और ले आया, सेंटर से आगे ले आया, तो F2 और F1 के बीच में, तो इमेज बनी 2F2 के पीछे, थोड़ी सी बड़ी और रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस दैट इज अगर थोड़ा और मैं फोकस के ऊपर ले आया, फोकस के ऊपर तो पैरेलल, मतलब सॉरी तो इन्फिनिटी पे चली गई। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला केस, जब इमेज हमारी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, और यहाँ देखिए जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे चली गई, तो थोड़ा बहुत रिलेटेड है। और लास्ट वाले केस में तो आप जानते ही हैं, वर्चुअल इरेक्ट बनी हुई है। तो ये छह के छह केसेस थे अपने किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। चलिए समझ में आया होगा आपको। तो फाइनली हमारे छह के छह केसेस हो गए हैं कॉन्वेक्स के। फाइनली बोर करते हुए हमने छह केसेस कर लिए हैं, अब हम करेंगे और बोर, और बोर नहीं तो बोरिंग हो जाएगी। तो अब हम करेंगे कॉन्वेक्स के कौन से वाले केसेस, मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव के। तो सारे टॉपिक हो गए हैं अपना, मतलब सारे टॉपिक तो नहीं हुए, खैर कॉन्वेक्स के जितने भी केसेस थे वो हो चुके हैं, अब हम कॉनकेव के केसेस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव केसेस, कॉनकेव केसेस, ठीक है, वैसे लेंस कॉनकेव लेंस केसेस होने चाहिए थे बट कोई बात नहीं, कॉनकेव केसेस लिख देते हैं, कुछ खास फर्क नहीं है। कॉनकेव लेंस केसेस, ठीक है। वैसे मैं बता दूं भाई, इसमें दो ही केसेस हैं, आराम से सुनना, समझ में आ जाएंगे। अंडरलाइन बहुत जरूरी है। हाँ तो पहला केस, चलो अच्छा, पहला केस हर एक का वही होता है, आप जानते हैं, एकदम इन्फिनिटी पे, एकदम कतई इन्फिनिटी, एकदम कतई दूर। तो इतनी दूर से जब भी लाइट रे आती है, टकराने के बाद फोकस से ही पास होती है, ठीक है, पैरेलल ही आती है पहली चीज। तो इतनी दूर से जब भी लाइट रे आती है पैरेलल ही आती है, तो जब आप इसे पीछे की ओर करेंगे, पीछे तो ये फोकस से पास। एक और लाइट रे लेकर आइए, टकराने के बाद ये भी पीछे लेके जाएंगे, तो ये फोकस से पास होगी। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि फोकस पे ही पास होने वाली है, ठीक है, जबरदस्ती की, ठीक है। तो वही अपने चारों केसेस लिख देते हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी है, इमेज अपनी बनी है फोकस पे, दैट इज एफ वन पे। इमेज का साइज, इमेज का साइज पॉइंट साइज एकदम कतई छोटा। और इमेज का नेचर, बहस हो जाएगी इस चीज पे, बहस होगी आज संसद में। देखो भाई, लाइट रे ऐसे आ रही है, ये क्या है, ये लेंस है। लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है लाइट को दूसरी तरफ भेजना। इसने लाइट को दूसरी तरफ भेजा,
तो लाइट को जब दूसरी तरफ भेजा तो लाइट उस तरफ कटनी चाहिए थी, बट उस तरफ नहीं कटी, उस तरफ नहीं कटी, इस तरफ कटी। तो जिस तरफ बन, तो इमेज भी इस तरफ बनी, बननी उस तरफ चाहिए थी बट इमेज इस तरफ बनी। तो जिस तरफ इमेज बननी चाहिए थी उस तरफ तो नहीं बनी, दूसरी तरफ बनी, तो फिर वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये कौन सा नेचर हुआ? वर्चुअल है, नहीं रहा। कायदे से जिस तरफ बननी बननी चाहिए उधर बनती तो रियल एंड इन्वर्टेड था, इस केस में वर्चुअल नहीं रहा। पहला केस ये था आपका पहला केस। अब हम बात करेंगे दूसरे केस की, दूसरे केस की। तो दूसरे केस में बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, समझ में एकदम ऐसा आएगा कि लगेगा नहीं कुछ समझ में आया है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ये अपना एफ वन, ये अपना एफ टू, ये अपना टू एफ वन, ये अपना टू एफ टू, ठीक है। चलो मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो अपना यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर है। तो पहला लाइट रे आएगी, टकराएगी एंड देन फोकस, ये तो बाहर ही भेज देगा, ये तो बाहर ही भेज देगा। ये थोड़ा छोटा हो गया अपना, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ये आप जाके थोड़ा मानना मुश्किल है। हाँ, दूसरा केस एक और अपने को चाहिए। तो ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से जब लाइट रे आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करेंगे। अब देखिए आगे तो जा नहीं सकती, तो लाइट रे कहाँ होगी? पीछे की ओर, यहाँ से फोकस के पास, क्योंकि पैरेलल तो फोकस के पास होगी, हो चाहे रियल चाहे वर्चुअल। दूसरी लाइट रे अपन फोकस से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो कहाँ बनी? ये देखो, ये छोटा सा बन रहा है, ये दोनों लाइटें यहाँ पर कटनी, एक वर्चुअल और एक रियल। ये अपनी इमेज है, ये छोटी सी जो है ये अपनी क्या है, ये अपनी इमेज है, इमेज है अपनी। तो दैट्स इट, यही अपनी इमेज है, ठीक है। ये अपनी नहीं मतलब उससे जो बनी हुई वाली इमेज है। चलो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? ऑब्जेक्ट था अपना 2F1 और O के बीच में। इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी है अपनी F1 और O के बीच में, सॉरी 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट था। इमेज का साइज डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा तो नहीं है, डिमिनाइज्ड। एंड इमेज का नेचर, ऑब्वियसली जिस तरफ बना उस तरफ तो बना नहीं, इस तरफ बना है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये अपने खत्म हो गए सारे के सारे केसेस, कॉनकेव के भी कॉन्वेक्स के भी, बात खत्म। चलिए, क्लियर है? अच्छा, अगर आप देखें तो कॉनकेव में दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनती है, कॉनकेव में दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।